एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमामि भागवत भगवान की। राधा माधव सरकार की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। व्यास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी से निवेदन, माताएं बहने एक तरफ, भाई बंधु जो पुरुष वर्ग हैं एक तरफ, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। और जो जो जनमानस की भीड़ उमड़ेगी क्यों त्यों आप लोग आगे आगे आते रहेंगे ताकि किसी को कोई उठने बैठने में कोई ऐसी तकलीफ ना हो। बोलिए राधा माधव सरकार की। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की। श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम दिवस छठवां दिन। और आज भगवान श्री कृष्ण भैया रुक्मणी के प्रणय संबंध का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। और हमारे कथा व्यास आचार्य श्री श्रीकांत पांडे जी महाराज जो की श्री धाम अयोध्या जी से पधारे हुए हैं, हम सबके सम्मुख श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हो माइक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कैसे भी करके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुन रहे हो, आप सभी से निवेदन अति शीघ्र प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें। और अब हम सभी लोग निवेदन करेंगे, क्रमबद्ध निवेदन करके श्री व्यास जी से निवेदन करेंगे कि अपने सुमधुर वाणी से इस कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी को गोते लगवाए। और हमारे बीच आचार्य श्री गिरीश शर्मा जी उपस्थित हो रहे हैं और हम चाहेंगे जितने भी जनमानस यहाँ पर हैं आपके लिए तालियां बजा करके स्वागत करें गिरीश जी के लिए। बोलिए राधा माधव सरकार की। और
कथा व्यास आचार्य श्री श्रीकांत जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को ओतप्रोत करें और इस ज्ञान गंगा में आज गोते लगवाएं। श्री व्यास जी भगवान श्री राधा रमण जय
अतुलितबलधामम् हेम श्रीराभरे धनुजवन कृशान सकलगुण निधान वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्त वातजात मधुसूदनाचार्यम् माधवम् पथप्रदर्शकम् जगद्गुरु श्रीमाधवाचार्यम् नित्यम् आलां भुजत्वयम् प्रेम सुरु सर्वदेव भगवान की श्री राधा माधव सरकार की श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान साक्षात करु तड़ित तड़ित विनंदित पीतांबर धारी पूर्व मुकुट धारी बांके बिहारी वृंदावन बिहारी यमुना बिहारी गोवर्धन धारी रास बिहारी गोपियों के मन को मोहित करने वाले भक्तों के मन को आनंदित करने वाले भक्तों के हृदय प्रदेश में रंजन करने वाले पापियों के हृदय को कंपित करने वाले हम जैसे अकिंचन दासों पर अपनी कृपा की दृष्टि करने वाले इस माया मई संसार से हम सभी को भविष्य पार करने वाले कराने वाले श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की वाणी मूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज षष्ठम दिवस में छठे दिवस में हम सभी विराजमान है। इस शुभ अवसर पर व्यास पीठ पर विराजमान मेरे माधव राधा माधव सरकार मेरा आराध्य मेरे आराध्य प्रभु इस यज्ञ को इस ज्ञान यज्ञ को विधिवत संपादित करते हुए मार्गदर्शित करते हुए यज्ञ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे जीवन को जिनका मार्गदर्शन जिनका वात्सल्य स्नेह आशीर्वचन मुझे प्राप्त हुआ है हो रहा है ऐसे पूज्य पिताश्री परम सहयोगी भ्राताश्री आचार्य सदानंद शुक्ल जी श्री अशोक तिवारी जी श्री सूरज मिश्र जी आज अपने व्यस्ततम समय से कुछ विशेष आग्रह पर पधारे हुए हमारे मित्र प्रवर आचार्य श्री गिरीश जी जिनके कंठ में हस्त में संपूर्ण जीवन में माँ सरस्वती की कृपा विराजमान है ऐसे संगीतज्ञ बंधु अपने सुंदर स्वर से हम सभी को भजनों के माध्यम से भगवान के समीप भगवान से जोड़ने वाले ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं के मध्य हमारे छोटे कन्हैया के रूप में आर्यन जी इस यज्ञ के आयोजक श्री हनुमान जी महाराज जिनकी विशेष कृपा विराजमान है परीक्षित की भूमिका में जो अपने नित्य जीवन का जो कार्य है उन सब को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और गुरु संत ब्राह्मण
पित्र भगवत कृपा प्राप्त यजमान स्वरूप माता दीप देवा जी और उनके समस्त परिकर इस मोहनला के श्री वासी क्षेत्रवासी दूर दराज से पधारे हुए आप सभी भक्तजन फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का लाभ ले रहे अपने घरों में बैठे हुए समस्त भक्तजन आप सबके हृदय प्रदेश में बैठे हुए मेरे राधा माधव सरकार श्री सीताराम चंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी आप सबको सागर जय श्री राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म सुमर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब हमें सत्संग में सुंदर संग में संतों के संग में और भगवान की कथा में बैठने का अवसर मिले तो निश्चित मान लेना। क्या मानना है कि आपके ऊपर पितृ भगवान गुरु ब्राह्मण संत गौ सभी की कृपा विराजमान है। जैसे आपको आटा चाहिए तो चक्की पर जाते हैं, हाँ सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले दुकान पर जाते हैं, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे व्यापारी बंधुओं ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आप बड़े बड़े मार्ट बना दिए गए हैं, हाँ बड़े बड़े स्टोर बना दिए गए हैं। हाँ आप जाओ, आपको एक सुई से लेकर के और जितनी भी आपके दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, सब्जी से लेके आटा कपड़ा चप्पल जूता बेड बिस्तरा सब कुछ मिल जाएगा। जैसे डीमार्ट वीमार्ट आदि है ना, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। तो ऐसे आप विभिन्न कामनाओं से घिरे हुए हैं, किसी को पुत्र चाहिए किसी को पुत्री चाहिए, किसी को सुख चाहिए किसी को शांति चाहिए, किसी को धन चाहिए वैभव चाहिए तो किसी को संतों का पावन सानिध्य चाहिए। तो कोई कहता महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरे कन्हैया चाहिए। कोई कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, कन्हैया तो मिल जाएंगे तो मुझे तो मोक्ष पद तो मिल ही जाएगा, तो मुझे मोक्ष पद की कामना है, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान चाहिए। तो बोले विभिन्न दुकानों पर जाने के बजाय आप जैसे बड़े से मॉल में बड़े से स्टोर में चले जाते हो सब कुछ लेके चले आते हो, ऐसे आप इधर उधर भटको मत, आप केवल संतों का संग करो, भागवती कथा में बैठो, आपको कोई वस्तु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन मिलेगा तो वह कब मिलेगा? वह मिलेगा जब जब आपके मन आपकी वाणी आपके हृदय का प्रदेश अंता मन आपका तन और आपका धन शुद्ध होगा तब मिलेगा। तो आइए हम इस भागवती कथा में इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, लेकिन उसके पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन जिससे हमारा तन जिससे हमारा हृदय जिससे हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र। आइए भाव श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी तेरी
कौन सा दिन है इस कथा का? छठा दिन है। पांच दिनों से हम जब बुलवाते हैं आपसे, बोलते हैं श्री राधे, और अभी हमने हाथ नहीं उठाया तो आपने भी हाथ, मतलब अभी भी आप लोग जब राधे बोलते हो तो हाथ नहीं उठाते ना, इसका मतलब क्या है हाथ उठाने का? हाँ, इसका मतलब है कि राधा रानी, हे मेरे राधा माधव सरकार, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जैसा भी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, जैसा भी हूँ, बस मैं किसका हूँ? किसका हूँ? आपका हूँ। क्या कहना है? हे प्रभु, मैं आपका हो गया, आपके शरण में आ चुका हूँ। और क्या कहना है? जब हम कहीं पानी में डूब रहे होते हैं ना, पानी भरा हो और जब उसमें व्यक्ति डूबने लगता है तो क्या करता है? पैर ऊपर करता है कि क्या ऊपर करता है? तो हम लोग भी तो डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं? कहाँ डूब रहे हैं? हाँ, इस संसार के सागर में डूब रहे हैं। और इस संसार के सागर से हमें कौन निकाल सकता है? कौन निकालेगा? मेरे राधा माधव सरकार। तो इसलिए कैसे करना है, बोलना है, बोल राधा माधव सरकार की जय हो। अच्छा, देखो हाथ नीचे कर लीजिए, नहीं हाथ दर्द करेगा तो फिर कहोगे महाराज ने परेशान कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हम मनुष्यों के अंदर एक कमी है। वो क्या है? वो क्या कहेगा, यही सोच करके हम अपने भाव भी प्रकट नहीं कर पाते। कई लोग हाथ उठाते हैं तो ऐसे यही तो उठाते हैं। अब वो पता नहीं भगवान को हाथ उठा के कह रहे हैं कि प्रभु हम डूब रहे हैं, कि भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है। प्रेम से बोलो, हाथ उठाने का मतलब प्रेम से बोलो। हाँ ठीक है, तो क्या है,
कई लोग सोचते हैं हम बहुत ताली बजाएंगे कीर्तन में, बहुत भगवान के भजन में आनंद लेंगे, तो क्या होगा? वो सोचेंगे क्या हो गया इसको, हाँ यही तो हमारे परमात्मा के बीच में रुकावट है। आज प्रातः काल बात चली, हालांकि मैं इसको गंभीरता से नहीं ले रहा हूं और आप भी मत लीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि आप सब रुक्मणी मैया के मंगल उत्सव में आना तो साड़ी पहन के आना, खुद सज के आना, कहा था ना, याद है? तो किसी ने इसमें कहा था कि हम खूब सज के आएंगे, घर साड़ी धोती पहन के आएंगे तो हमारे स्वामी जी कहेंगे कहाँ जा रही है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो क्या कहना है स्वामी, क्यों कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आपके स्वामी इतने नादान होंगे कि आपको अच्छे कार्य के लिए रोकेंगे। और अगर वो नादानी उनके अंदर होती, अगर वो आपका विरोध करते, तो आप 5 दिनों से यहाँ हाजिरी लगाने पहले दिन से ही आपको स्टॉप कर दिया जाता, रोक दिया जाता। और जब आपको राधा माधव सरकार बुला रहे तो आपको रोकने वाला कौन है? और आपको एक कहानी सुना दें, कहानी मतलब सत्य घटना सुना दें, वो भी कब की, फरवरी माह की। अभी हमारे साउथ सिटी परिवार वाले भक्तजन नहीं आ पाए हैं, तो एक देवी आई वहां, कुछ कथा का समय थोड़ा विलंब हो जाता था, ठंडी थी, दूर दूर से लोग आते थे, कुछ व्यवस्था अच्छी थी लेकिन कुछ व्यवस्था में विलंब होता था। शायद दूसरे दिन की कथा में एक देवी आई, कथा उनको प्रभु की कथा जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, जैसा भी उनको लगा होगा, पर उनको इतना आनंद आया तो घर से वो कह के आई थी हम जल्दी आ जाएंगे, ऐसा शायद उन्होंने अपने स्वामी जी से कहा था। कथा पूर्ण और भंडारा प्रसाद लेके जाने में थोड़ा देर हो गई, देर तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। घर पहुंची जब ना, तो स्वामी जी ने दरवाजा बंद कर लिया था और रात भर वह देवी बाहर, ध्यान दीजिएगा सत्य बात है, रात भर परेशान हुआ। अगले दिन मुझे ये बात पता चली, आप सोचो क्या हुआ होगा। प्रार्थना किया ठाकुर जी से उस देवी ने, सबने, और अगले दिन, एक दिन की कथा हो चुकी थी, दूसरे दिन ये घटना हुई और तीसरे दिन से लेकर और 8वें दिन तक, मतलब 7 दिन जो कथा चली 7वें दिन तक की, और 8वें दिन हवन भंडारा हुआ। वह तो आती थी, उसके स्वामी भी आकर के और पूरे समय बैठे रहते थे, ये है मेरे राधा माधव सरकार की कृपा। जो विरोध करता था, जिसने अपने देवी को ठंडी है बाहर, मैं ऐसा नहीं कहता दोषी है, शायद वह कथा लाइव सुन भी रहे होंगे, शायद क्रोध में जो भी रहा हो, पर वह कथा 7वें दिन उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। कौन? देवी ने नहीं, उनके स्वामी जी ने भी। तो क्या है, आप आ रहे हो, कोई भेज नहीं रहा है, और ना आप आ रहे हो, ये समझो कि आपको राधा माधव सरकार बुला रहे हैं। और कथा के मध्य अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कह दे, कोई भी, चाहे मैं ही या कोई आप में से किसी अपने सहेली मित्र या किसी से भी, बेटा बेटी से, कि क्यों आप कथा में क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपको कभी कोई सत्संग के लिए बुलाए, तो ये मत सोचना कि मेरी बहन बुला रही है, मेरे भाई बुला रहे, मेरे चाचा बुला रहे, मेरे ताऊ बुला रहे, नहीं, ये मानना कि साक्षात राधा माधव सरकार ही आपको बुला रहे हैं। प्रेम से बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। और यज्ञ के आयोजन, इस कथा का आयोजन जो है ना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात कहने का भाव क्या है, पैसा सबको है, पैसा तो सबके पास है, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर है तो सबके पास। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय,
संतों का, ब्राह्मणों का आपके घर में आना या उनका सामीप सानिध्य आपको प्राप्त होना, और हरि की भगवान की कथा इस संसार में दोनों दुर्लभ है, और श्रुत बेटा बेटी, हाँ पति पत्नी और लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर भी होते हैं ना। श्रुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, लेकिन पापी संत का समागम नहीं कर सकता, पापी धार्मिक व्यक्ति के धार्मिक स्थान पर जा नहीं सकता, पापी कभी हरि की कथा करा नहीं सकता। इस कथा को अगर कोई करा सकता है तो कौन? मेरे राधा माधव सरकार करा सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे दिव्य कथा में बैठ करके आप आनंद ले रहे हैं, तो जब भी आपको राधे राधे बोला जाए तो हाथ जरूर उठाना है, जब भी कीर्तन हो तो ताली अवश्य बजाना है। ये नहीं सोचना कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मैं ताली बजाऊंगी तो कौन क्या कहेगा। हाँ, ऐसा अगर मीराबाई ने सोचा होता तो भगवान उनको मिलने वाले नहीं थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज का जो जीवन है, आज का जो दिन है, इस जीवन को प्राप्त करके आज के दिन, आज क्या है आप लोगों को पता है? आज क्या है, कौन सा दिन है, बताना चाहेंगे आप लोग? आज कौन सी तिथि है? आज के दिन के बारे में पता आप लोगों को? नहीं पता है? जोर से बोलिए, जोरदार ताली एक बार, देखो कितनी अच्छी बात है। पता सबको है लेकिन हिम्मत नहीं बना पा रहे कि हम बोले। कई लोग बोल रहे हैं तो धीरे से बोल रहे हैं। आज इस सृष्टि का वह पवित्र दिन है, हाँ, और हम कह लें प्रतिवर्ष यह दिन आता है, लेकिन इस संबत एक साल के अंदर जो यह दिन आता है ना, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं ना बन्नो, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो परम पवित्र होते हैं, परम पुनीत होते हैं। वो कौन सा दिन है? आज अक्षय तृतीया, हाँ, वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, वही है ना आज? सही बता पा रहा हूं मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? श्री राधे। आज के दिन का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। वो क्या है? आज जो अक्षय तृतीया है बहुत शुभ मुहूर्त माना गया। आइए बड़े भाव। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
देखिए हर व्यक्ति के जीवन में बहुत लोग होते हैं, मित्रता में, रिश्तेदारी में, है ना, संपर्क में, संबंध में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे आपका विशेष लगाव होता है, है ना, होता कि नहीं? कई लोग ऐसे हैं कि जिनको देख करके आपका हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। उन्हीं में से हैं एक जो भी हमारे व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर गए और जिनका स्नेह आशीष मुझे नित्य निरंतर प्राप्त होता रहता है, ऐसे हमारे श्री लखविंदर वर्मा जी सपत्नीक, अर्थात मैं उनको अंकल और आंटी जी कहता हूँ, और उनके साथ ममता जी। आपका और हमारा संबंध अत्यंत प्रगाढ़ और हम कह सकें तो वह मेरे मार्गदर्शक के रूप में है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई आपके आगमन से। आइए कथा प्रसंग की तरफ बढ़ें। तो आज का जो दिन है बंधु ना, वो क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन हमारे इस सनातन धर्म के अनुसार कई हमारा इतिहास है। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार, जिनका छठा अवतार है श्री भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम जी का जो जन्म है वह अधर्म के विनाश के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए हुआ था। माँ गंगा का अवतरण भी आज इसी धराधाम पर आज के दिन हुआ था। आज के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिस त्रेता युग में हमारे रामलला सरकार पधारे हैं। आज के दिन ही श्री सुदामा जी और कृष्ण भगवान का मिलन हुआ था। और बंधुओं, आज के दिन ही पांडवों को अक्षय पात्र श्री सूर्य नारायण भगवान ने दिया था। ऐसे परम पवित्र अक्षय तृतीया के शुभ अवसर हम सभी लोग बैठ करके इस भागवती कथा का लाभ ले रहे हैं। आइए दोबारा राधा राधा जय श्री राधा। Yeah.
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जितनी माताएं बहने हैं, जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, रुक्मणी मंगल के लिए जो लोग अपने हाथ में वस्त्र द्रव दक्षिणा या जो कुछ भी लेके आए हैं, वो अभी कोई यहाँ नहीं लेके आएगा। संकल्प होगा विवाह के प्रसंग के समय पर, यहाँ से संकल्प बोला जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग ला करके यहाँ निवेदित करेंगे। अभी आप लोग लेकर के वहां बैठे रहेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो रुपया पैसा धन जो भी है, उसके अलावा जो पंचपात्र थाली लोटा ग्लास कटोरी चम्मच जो भी आप लेके आए होंगे, सोना चांदी हाथी घोड़ा जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ बाद में संकल्प करके तो दीजिएगा, ऐसे मत लेके आइएगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो, श्री व्यास जी भगवान की जय हो, श्री व्यास जी भगवान, श्री राधा माधव सरकार की जय हो। राधा राधा जय श्री राधा, 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 राधा सरकार की जय हो, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, विशेष करके तिवारी जी से, कि चंदन आदि लगाए ना, जो सामने खड़े हैं ना, वो फिर या तो आगे पीछे या साइड में किया जाए तो अच्छा रहेगा ज्यादा। जो लोग आते भी ना तो सामने खड़े हो जाते हैं, उनको एक साइड रखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलो राधा माधव सरकार की जय। तो हम आपको अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी के बारे में बता रहे थे। अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र भगवान सूर्य नारायण की कृपा से पांडवों को प्राप्त हुआ था। जो उससे कामना की जाए, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। और कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन दान किया जाए, पुण्य का कोई भी कार्य किया जाए, कथा को श्रवण किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, दान के निमित्त स्वर्ण आदि सोना चांदी जो भी आपकी व्यवस्था है, गौ भूमि आदि का दान किया जाए। एक रुपए अगर आप दान करते हैं ना, तो उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। अगर कल के दिन में, परसों के दिन में आप 1 रुपए दान करते हो, तो 1 रुपए ही माना जाएगा वहां। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप 1 रुपए दान करते हो, तो वो 1 रुपए नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो 10 रुपए, 10 गुना ज्यादा उसका लाभ बताया गया है। और दिनों में किया गया दान पुण्य, उसका धीरे धीरे समय अनुसार प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन अक्षय, क्षय मतलब घटना, क्षय मतलब क्या होता है? घटना, कम होना। लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है? अक्षय, आ मतलब नहीं, क्षय मतलब कम होना। यह पुण्य कभी कम नहीं होने वाला है। भगवान परशुराम ने हय हय वंश के क्षत्रियों का विनाश करके धर्म की स्थापना की है। और भगवान परशुराम ने अपनी माता और पिता की सेवा की है। ये तो भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने अपने मां की हत्या किया, नहीं, पिता की आज्ञा का पालन किया और पिता प्रसन्न होकर के पुनः माता को जीवित करते हैं। कल हम सबने किस कथा प्रसंग का आनंद लिया था? कल कौन सा उत्सव था? हाँ, कौन सा उत्सव था? हाँ,
कल नंदोत्सव था क्या? क्या था? हाँ क्या था? धन्य एक बार जोरदार ताली अपने लिए आप लोग बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ना 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 अभी नहीं, और जोरदार ताली बजा लो, सब लोग बजाएंगे कि आप कल 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद लेके यहाँ से गए फिर भी भूल गए कल क्या था। धन्य है आप सबको प्रणाम, धन्य है आप सब। हाँ कुछ लोग कह रहे नहीं हमें पता था, पता तो था आपको, हम जानते हैं कि आपको पता था, लेकिन फिर बोला क्यों नहीं? हाँ समय पर क्यों नहीं बोला? एक दो लोग कुछ बोल तो रहे थे लेकिन इतना धीरे बोल रहे थे कि पड़ोसी को भी शायद नहीं सुनाई पड़ा होगा, तो हमें यहाँ कहाँ सुनाई पड़ेगा। कल हम सभी ने भगवान की कुछ बाल लीलाओं का संक्षिप्त सा, क्योंकि समय अभाव, और हमने कल भगवान के गोवर्धन लीला का, गोवर्धन पूजन का, गोवर्धन जी के 56 भोग का लाभ लिया। प्रसाद मिल गया था सबको कि नहीं मिला था? किसको किसको कल का प्रसाद मिला था? अब वो लोग हाथ मत उठाना जो कल आए ही नहीं थे, उनकी उनसे ये प्रश्न नहीं है हमारा। कल किस किस को प्रसाद मिला था हाथ उठा के बताओ। अच्छा अच्छा कल किस किस को नहीं मिला था वो बताना, जो नहीं आए थे उन पर यह नियम नहीं लागू होगा। प्रेम से बोलो, भगवान का दरबार है, यहाँ कोई कमी थोड़ी हो सकती है। अब जिसकी हाजिरी कल नहीं लगी थी उसको नहीं मिला। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन का पूजन करवाते हैं, पिताजी को समझाते हैं, नंद बाबा को समझाते हैं कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने के बजाय आप भगवान की पूजा करो। और हम लोग भी तो यही करते हैं, कभी वीरवार उधर पहुंच गए, शनिवार वहां पहुंच गए, मंगलवार वहां पहुंच गए, बुधवार वहां पहुंच गए, उलझे पड़े हम सब सारे दिन। अच्छा हंसी तो तब लगती है ना, हंसी तो तब लगती है और क्रोध आता है मूर्खता पर लोगों के कि महाराज और दिन तो चल जाता है खाने पीने वाला, पर वीरवार मंगलवार में हाथ नहीं लगाता। क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार तो शुद्ध शब्द है लेकिन यहाँ की भाषा में तो वीरवार चलता है ना। कई बार हम लोगों को समझाते हैं कि बृहस्पतिवार गुरुवार ये क्या होता है, वीरवार। अच्छा वीरवार को कह रहे हो, इसलिए हमें यह शब्द बोलना पड़ रहा है। तो बृहस्पतिवार और मंगलवार को महाराज हम हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? मंगलवार और बृहस्पति के वार के लिए आप एनओसी लेके आए हो, बाकी और दिनों के लिए इन दिनों के लिए नहीं ला पाए थे। हाँ चोरी चाहे सोमवार को करोगे, चाहे मंगलवार को करोगे, चाहे गुरुवार को करोगे, चाहे रविवार को करोगे, गिने तो आप चोर ही जाओगे ना। आप कह दो नहीं कि महाराज उसका बर्तन हमारा अलग है, तो उसके लिए फिर मुख जीभ भी अलग रख लेते, पेट भी अलग रख लेते। हाँ ऐसा संभव है? इस सब मूर्खताओं को अपने मन माने ढंग से मत अपनाइए। जरा कल्पना करना, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख की एक गाड़ी लाते हो आप, और उस गाड़ी को ला करके आप कहते तो नहीं नहीं महाराज ये पेट्रोल पंप पर तेल अच्छा नहीं मिलता, वो वहां चल के डलवाएंगे जाके तेल। करते कि नहीं करते? मतलब एक गाड़ी उसके अंदर अगर आप तेल डालते हो तो बहुत सोच विचार के, उसका इंजन ऑयल डालते हो तो बड़ा सोच विचार के, लेकिन ये जो गाड़ी परमात्मा ने आपको दे दी है बंधुओं, वो इसको तो आप रिपेयर भी नहीं करवा सकते, इसको दूसरी खरीद भी नहीं सकते, है ना। इसलिए जो है ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं, प्रसंग के अनुसार इस बात को बता रहा हूं। किसी को बुरा लगे क्षमा करना, लेकिन सुधरी। आज भगवान कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा
ये विभिन्न देवताओं की पूजा में मत उलझिए, भगवान की पूजा करिए। किसकी पूजा करो? बोले गिरिराज गोवर्धन की। क्यों? क्योंकि इनकी तलहटी में हम रहते हैं, इनके पावन सानिध्य में हमारी गौएं चरती हैं, हम इनके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। चलो करते हैं पूजन। और पूजन हुआ, पूजन करके ब्रजवासी भी आनंद ले ही रहे थे, सब वापस अपने अपने घर को आए। अपने घर को पहुंचे जैसे सारे ब्रजवासी, इंद्र को याद आया कि इस बार की पूजा मेरी ब्रजवासियों ने नहीं की। अच्छा जाओ पता करो, सूचना मिली कि इस बार की पूजा जो इंद्र देवता आपकी होनी थी, वह पूजा नंद के छोरा ने गिरिराज गोवर्धन की करवा दी। अच्छा आया क्रोध और कहते हैं सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया, गणम सांवर्तकम नामम, सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि जाओ ब्रजवासियों की मति मारी गई है और जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा इनकी बुद्धि सुधरने वाली नहीं, जाओ इतनी बारिश करो कि सारे ब्रज मंडल को बरसात में पानी में डुबो दो। सांवर्तक नामक में गड़गड़ाते हुए बारिश करते हुए और पूरे ब्रज मंडल में हाहाकार मच गई कि अब हम कहां जाएं। सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर के नंद गांव पे नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचे और बोले बाबा देखो आपके लल्ला के नादानी का दंड मुझे मिल रहा है, आपने अपने लल्ला के कहने पर हमारी वह जो इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष होती थी उसको बदल करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी और देख लो अब हम लोग कहां जाएं। नंद बाबा भी सोचने लगे, वहीं पर खेल रहे खड़े हुए कन्हैया ने कहा कहाँ जाना है, जिसकी हमने पूजा की है चलो उसके शरण पर चलते हैं, उसी के शरण में चलते हैं और गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। गिरिराज गोवर्धन को सबके देखते देखते कन्हैया ने अपने छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों से कहा क्या कि समस्त ब्रजवासी जो है अपने अपने गौ को अपने अपने धन वस्तुओं को लेकर के और गिरिराज गोवर्धन के पावन सानिध्य में आ जाओ। अकेले उस कन्हैया ने छोटी सी उंगली में गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रखा है। समस्त ब्रजवासी सोचते अब क्या करें और समस्त ब्रजवासियों को अभी यह नहीं दिख रहा है इस छोटे से लल्ला ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रखा है। सब गए और अपने अपने सामान को अपने अपने गौओं को और अपने अपने वस्तुओं को लेकर के आ गए और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं समस्त ब्रजवासी, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, गिरिराज जी के शरण में कौन कौन जाना चाहता है, जाना चाहते हो कैसे? और कन्हैया ने कैसे अपने नख पर गिरिराज को धारण किया था, हाँ तो वैसे प्रभु के शरण में चलना चाहते हैं। आइए बड़े भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नख पर गिरवर I'm gonna make it.
छोटे से लल्ला ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रखा है। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना सहारा लगाओ, अपने अपने लाठी डंडे को भी लगाओ। मेरे कन्हैया ने क्या किया है? गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, कहीं इसकी नरम कलाई दूर करा जाए। क्या कहती मैया? की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए वकी मैया, की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए वकी मैया, 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 कहीं मुर्ख न जाए वकी मैया। इंद्र ने कीनो मृत गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो मृत गोवर्धन कर लीनो, मृत गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो मृत गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो। बादल बरस बादल बरस बादल बरस बरस गए हार भैया मेरो बिल्कुल मत करना, तैने नहीं उठाया है, हम सबने तेरा साथ दिया है। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर सबका साथ है? बोले हाँ। बोले तू थक गया होगा, तू आराम कर ले, तू आराम कर ले, हम सारे ब्रजवासी गोवर्धन को धारण कर लेंगे। कन्हैया ने कहा ताऊ जी पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले मैं आराम कर लू? बोले आराम कर लो। और कन्हैया ने जैसे अपनी धीरे से उंगली नीचे की, गिरिराज गोवर्धन नीचे आने लगे, सबकी लाठी तड़ातड़ छूटने लगी, सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। एक बात याद रखना, गिरिराज गोवर्धन को केवल भगवान उठा सकते हैं, इस संसार को केवल परमात्मा चला सकते हैं। जिस दिन आपके मन में अनुभव आ गया, जिस दिन मन में आपके अभिमान आ गया कि ये काम मैं करने वाला हूँ, उसी दिन भगवान हाथ खींचेंगे। और भगवान ने हाथ खींचा तो फिर आपका नीचे जाना तय है, आपका बिना सोना तय है। क्या करें? जो कहीं पूछ रही मारो लठिया को दियो सहारो, लठिया को दियो सहारो,
गिरिवरधारी और भगवान गोवर्धन ने सबकी रक्षा की। भगवान गिरिराज गोवर्धन के शरण में सबका आकर कल्याण हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं राजन पूछते हैं गुरुदेव, क्या हुआ जब इंद्र के उस सामर्थक नामक मेघ ने वर्षाया था? बोले बरसात होती रही, भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखे रहे और जो बारिश होती रही वह समस्त बारिश गिरिराज गोवर्धन के ऊपर होते हुए और इधर भगवान ने ऋषिवर को बिठाया और उन्होंने समस्त जल को पान कर लिया। आज इंद्र को अपने इस कृत्य पर पश्चाताप होता है। इंद्र आज आकर के भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कब करवाई थी? बोले कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई थी। और इंद्र ने जब बरसात करना आरंभ किया था, किस दिन से बरसात करना आरंभ किया था? बोले तृतीया तिथि से बरसात करना आरंभ कराया था। किसने? सामर्थक नामक मेघ के द्वारा। और तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत तक बरसात 7 दिन लगातार होती ही रही है। और बोले दसवीं के दिन इंद्र आकर के भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे जरा क्षमा करना। भगवान कहते हैं वैसे इंद्र मेरे ब्रजवासियों को तुमने कष्ट दिया है, दंड दिया है, परेशान किया है, दंड के अधिकारी हो तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं क्षमा करता हूं कि तुम्हारे इस कार्य से सारे ब्रजवासी हमारे साथ 7 दिन रहे, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। भगवान ने इंद्र को समझा करके और क्षमा कर दिया। अब क्या हुआ? बोले भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अब गोपाल बने। क्या बने? भगवान गोपाल बने, गौ चराने जाते हैं। हाँ, भगवान गौ चराने जाते हैं। बोले जब भगवान गौ के साथ में जाते हैं, उस दृश्य को हमारे भक्तों ने बड़े भाव से अनुभव किया है। वह छोटे छोटी गैया हैं, हाँ, और छोटे छोटे ग्वाल हैं, और छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैयों की टोली एक तरफ है, क्योंकि भगवान ने अपनी एक अलग टीम बना ली थी। हाँ, भगवान ने अपने टीम का नाम जानते हो क्या रखा था? क्या रखा था बता आप लोगों को? भगवान के बड़े बड़े जो ब्रजवासी हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मैया तो छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए भेजती है, मैं बड़ी बड़ी गैया तो बड़े बड़े लोग ग्वाल बाल ले जाते हैं, तो हम अपनी एक टीम बनाएंगे। भगवान ने एक टीम बनाई, क्या? ब्रज माखन चोर प्रचार मंडल। क्या नाम रखा? ब्रज माखन चोर प्रचार मंडल, मतलब चोरी भी करेंगे प्रचार भी करेंगे, हमारी एक अलग मंडली अलग टीम बन जाएगी। और उस मंडली के द्वारा भगवान चोरी भी करते हैं और गौए भी चराने जाते हैं। हमारे भक्तों ने बड़ा भाव किया है कि भगवान जब अपने उन छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे पैर से और छोटी छोटी गैया लेके जाते हैं तो क्या भाव है, आइए जरा अनुभव करते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मन को।
गाय आप लोगों ने देखा है, किस किस ने गाय देखा? गौ माता का, गौ माता का दर्शन सबने किया है। हमारे आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? अच्छा श्री राधे। अच्छा किस किस के घर में गौ माता है? यहाँ पे कहाँ पे? मायके में है, ससुराल में नहीं है? ससुर जी को भी बोलो गौ माता रखे ना, उनको क्यों नहीं बोलते? आपने कितनी गौ माता रखी है? किसी ने नहीं रखी। अच्छा ईमानदारी से जो पूछूंगा बताओगे? ईमानदारी से किस किस के घर में गौ माता है? सबके है? फोटो वाली गौ माता नहीं, असली वाली बात बताइए। अच्छा जरा बताना देवा जी, कुत्ता किस किस के घर में है? डोगी किसके किसके घर में है? ईमानदारी से किस किसके घर में डोगी है? कुत्ता किसके किसके घर में है? नहीं है किसी के घर में है, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा गऊ चराना, किस किसने गऊ की सेवा की, गऊ चराया है? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ भाई, इतने लोग हैं कि आप सबने गऊ की सेवा की है। तो गऊ की सेवा बैठ के करते थे कि दौड़ के चल के करते थे? कैसे करते थे, कैसे दौड़ते थे? जरा दौड़ के दिखाना इस भजन के साथ साथ में। जय हो। कहाँ चले गईया, कहाँ चले ग्वाल, 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 कहाँ चले मेरो बदन गोपाल, कहाँ चले मेरो बदन गोपाल, छोटी छोटी गईया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गईया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा भगवान से प्रेम करने वाले ऐसे बैठते हैं क्या? ऐसे बैठते हैं? अरे खड़े हो जाइए कम से कम, हम भी आपके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, कैसी तेरी गैया, कैसी तेरे ग्वाल, कैसी तेरी गैया, कैसी तेरे ग्वाल, कैसी तेरी गैया, कैसे तेरे ग्वाल, कैसी तेरी गैया, कैसे तेरे ग्वाल, कैसा है कोते, कैसा है तेरो मदन गोपाल, कैसा है तेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया कारी कारी कैया, कारी
छोटे छोटे गा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटा छोटा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गौए चरा रहे थे, वैसे भी हमने देखा है झुंड में सब लोग बड़े प्रेम से ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे हमें नहीं पता है। बोलिए राधा माधव सरकार की, राधा माधव सरकार की। आप बोल रहे हो कि मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। राधा माधव सरकार की। श्री प्यासी श्री निवेदन की आगे का प्रश्न। श्री प्यासी भगवान श्री राधे। बोल राधा माधो सरकार की। कन्हैया अपने अपने मित्रों के साथ में, अपने मंडली के साथ में, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जाते हैं। इस दृश्य को देख करके आनंद भक्तजन आनंद लेते हैं। अच्छा एक बात है, भगवान कन्हैया कभी अपने घर से भोजन के लिए, हाँ आपकी भाषा में कहें तो टिफिन लेके नहीं जाते थे, जबकि मैया देती थी, माखन मिश्री का भोग लगाती थी।
लेकिन कन्हैया कहते थे मैया तू अकेले माखन मिश्री मुझे दे रही है, मैं मुझे तो सारा संसार समस्त ब्रह्मांड भोग लगाता है। आप लोग भी ठाकुर जी को भोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कौन कौन ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगाता है? पक्का है? कौन कौन ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगाता है? क्या लगाते हैं? हाँ, जो आपके पास रूखा सूखा लगाते हैं ना, पवित्रता के साथ में। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, रसोई में कौन कौन चप्पल पहन के भोजन बनाता है? कौन कौन रसोई में चप्पल पहन के भोजन बनाता है? हाँ, कौन कौन? ईमानदारी से बोलना, व्यास पीठ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन चप्पल पहन के भोजन अपने, जो नहीं बनाते हैं वो हाथ नीचे कर ले, जो चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं चलो नीचे कर लो। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते वह भी आप बताएंगे ईमानदारी से कि कौन कौन अपने रसोई में, चाहे भोग लगाते या नहीं लगाते हो, कौन कौन अपने रसोई में चप्पल पहन के भोजन बनाता है? सब लोग पहन के लगभग बनाते हो, है ना भैया? आपके रसोई में कौन से कील काटे पड़े हैं जो चुभ जाते हैं? थोड़ा साफ कर लिया करो उसको। हाँ, एक बात याद रखना, अगर चप्पल, कई लोग कहते महाराज नहीं ये चप्पल हमने स्पेशल किचन के लिए रखी है। हाँ, आपके कहने से नहीं, गलत है आप। चप्पल तो चप्पल ही है। हाँ, पायल पैरों पैरों में पहनी जाती है। आप कह लो नहीं हमने ये पायल अपने कान की साइज की बनवाई है। हाँ, चश्मा आपके आंखों में पहनते, कह दो नहीं मैंने अपने पैरों के साइज का बनवाया है, तो ये माना जाएगा? हाँ, जो लोग चप्पल पहन के, हाँ, और दूसरी वस्तुएं अगर कहीं गलती से भोग लगाते हैं बंधुओं ना, तो आप बेकार कर रहे हो अपनी मेहनत। ठाकुर जी आपके भोग को स्वीकार नहीं कर रहे, स्पष्ट गारंटी है इस बात की। प्रेम से बोलो राधा माधव सरकार की। कन्हैया अपने घर से रोटी लेकर के नहीं जाते थे। कन्हैया क्या करते थे? बोले कन्हैया भोग लगाते थे। कब? बोले ग्वाल बाल जब अपने घर से ले जाते थे, कन्हैया को बीच में बिठा देते थे, भोग लगाते थे, कन्हैया सबसे निकाल करके लेकर के खाते, ग्रहण करते और प्रसन्न रहते थे। आज कन्हैया किस कार्य को देखते हुए ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। अरे वेदों में तो लिखा है कि भगवान को भोग लगाओ, पर्दा लगाओ, जल छिड़को, तुलसी दल डालो, मंत्र का वाचन करो, शंख ध्वनि करो, घंटा ध्वनि करो और भगवान को भोग का आवाहन करो कि आओ रुच रुच भोग लगाओ मेरे श्याम जिया। और यह सब उसको कहते हैं कि जगत पिता जगत नियंता जगदाधार है, नारायण अवतारी है और ये क्या कर रहे हैं? कभी गोपियों के माखन पर नाच रहा है, कभी माखन चोरी कर रहा है, कभी यहाँ एक दूसरे का झूठा खा रहा है, ये निश्चित भगवान नहीं। भगवान ने ब्रजवासियों को, कौन भगवान बोले? ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों के अपने पास गौ के साथ में उठा ले गए। क्यों क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि कृष्ण कन्हैया लाल की हम परीक्षा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा अच्छा दाढ़ी वाले चतुर्मुख ब्रह्मा आपकी यह कलाकारी है, कोई बात नहीं है, आप ले गए हो सो ले जाओ। और भगवान ने अपने को आपको ही उतनी गई है, उतने ग्वाल बाल उतने बछड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया। वर्ष बीत गए, हाँ, वहाँ ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में कहे ब्रह्मा जी आपका यह ब्रह्मलोक अच्छा नहीं लगता मुझे, छोड़ो। और इधर कन्हैया सब अपने नित्य लीला को कर रहे हैं। दाऊ भैया को शंका हुई, दाऊ भैया ने ध्यान लगाया, बोले अच्छा कन्हैया बड़ी अच्छी लीला कर रहा है, आज ब्रह्मा जी ला करके और ग्वाल बालों को समर्पित करते हैं, गौ माता को समर्पित करते हैं और ब्रह्मा जी क्षमा याचना करते हैं। ब्रजवासियों के प्रति दो लोगों ने अपराध किया, किसने? इंद्र ने बरसात कराई, ब्रजवासियों को कष्ट दिया और ब्रह्मा जी ने क्या किया?
बोले ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को अपने ब्रह्मलोक में उठा ले गए, लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को जल्दी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके कारण मैं एक वर्ष अपने ब्रजवासी मित्रों के साथ नहीं रह पाया, उनसे दूर रहा। आपके कारण मेरी प्यारी प्यारी गौएं मुझसे दूर रही, आपको हम क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान क्षमा कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। काली अदह सबने कहा कि काली नाग यहाँ रहता है और इसके दूषित जल के कारण, विषाक्त जल के कारण हमें यह जल ग्रहण नहीं कर सकते, हमारी गौएं अस्वस्थ हो रही हैं। भगवान ने लीला करते हुए श्री रामा के गेंद को फेंका। श्री रामा ने कहा मुझे वही गेंद चाहिए। कंद क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए और भगवान जाते हैं काली दह में कूद करके, और नाग पत्नियों के समझाने के बाद भी भगवान उस नाग के अभिमान को मर्दन करते हुए, फण पर मर्दन करते हुए तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव नृत्य करते हुए कन्हैया और बाहर आते हैं और समस्त ब्रजवासियों को आनंद मिलता है। और काली नाग से कहते हैं, तो इस काली दह को छोड़ करके, यमुना महारानी को छोड़ करके और जा करके पातालपुरी में राज करो। भगवान इस प्रकार से काली लीला करते हैं। भगवान ने जो अपनी टीम बनाई थी, क्या नाम था उनकी टीम का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। भगवान ने जो टीम बनाई थी, कोई बताना चाहेगा कि भूल गए? भगवान ने जो अपना मंडल बनाया था, क्या नाम था उसका? हाँ, ब्रज माखन चोर प्रचार मंडल। क्या नाम था जरा बोलो? ब्रज माखन चोर प्रचार मंडल। आज भगवान ने मीटिंग बुलाई, बोले अरे ये गोपियां जो है ना, हमें माखन खिलाती नहीं है। हम लोग दिन भर गौओं को चराते हैं, लेके जाते हैं और गौओं का सारा दूध निकाल करके दही मक्खन बना करके और इधर उधर भेज देती हैं। हमको स्वतंत्र रूप से मक्खन नहीं मिलता। क्या किया जाए? भगवान ने सबकी मीटिंग बुलाई। हाँ, भगवान बने उस मीटिंग के, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, प्रधान बन गए। वैसे तो महाराज प्रधान आजकल तो पूछो ना, पंजाब में कुछ चीज तो बहुत ज्यादा है, जैसे प्रधान बहुत मिलेंगे, बहुत। और प्रधान जब करना होगा तो कोई साधन नहीं। हाँ, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। हाँ, बहुत लोग आएंगे, महाराज हम ये प्रधान, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और जब गहराई से देखो, कोई एक भी जिम्मेदारी दो तो प्रधान क्या, प्रधान का नाम ही गायब हो जाता है वहां से। हाँ हाँ, प्राय मंदिरों की तो यही स्थिति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बताएंगे महाराज, मंदिर में तो ऐसा होता, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ऐसा मतलब क्या बोले हम? हम बोलेंगे ना तो व्यक्तिगत किसी को दुख हो सकता है, लेकिन उन प्रधानों को ये नहीं पता होता है। उनको ब्राह्मण देवता दिखेंगे, उनको ब्राह्मण टारगेट दिखेगा, वो घुमाते ये करते वो करते, पर उनको जरा पूछो कि भगवान, अरे मंदिरों की तो ये हालात है महाराज, मंदिरों में एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखना कि मंदिरों में पुष्प की माला ठाकुर जी को तक नहीं पड़ती है। हाँ, प्रधान बने टहलते। मंदिरों में भोग लगाने की बात करो तो बोलेंगे पंडित जी की जिम्मेदारी है। हाँ, पंडित जी की जिम्मेदारी वो करे, किस बात के तुम प्रधान हो? भगवान को भोग कैसे लगता है? भगवान की धूप बत्ती कहाँ से जलती, ज्योत कहाँ से जलती, क्या व्यवस्था है, वस्त्र कहाँ से बनते, कहाँ से धुले जाते हैं, ये आपको जानकारी नहीं। इन सब चीजों के लिए पंडित जी जिम्मेदार, और जब कोई वैसी बात हो तो हम प्रधान जी। फिर मैं कहूंगा, मैं किसी व्यक्ति को बात, किसी एक पर यह मेरा कहना नहीं है, प्रायः ऐसा ही हो रहा है। फिर भगवान ने
सबकी मीटिंग बुलाई और मार्गदर्शन किया, बोले आज हम चलेंगे इस दिशा के तरफ और उस गोपी के यहाँ चलेंगे और गोपी के यहाँ जाकर के हम माखन चुराएंगे। बहुत चालाक बनती, आज चल करके उसके यहाँ का ही हम माखन भोग लगाएंगे। भगवान अपने बंदर अपने सखा सबके साथ में जाते हैं। गोपी ने अभी ताजा ताजा मक्खन निकाल करके छीके में भर करके रखा था और अपने कार्य में लग गई थी और भगवान पहुंचते पीछे से खिड़की से जाते हैं और माखन को चुरा करके और स्वयं खाते हैं और अपने सभी ग्वाल बालों को सभी बंदरों को खिलाते हैं। गोपी आती है, अरे क्या कर रहा है रे नंद का छोरा, तू ये क्या कर रहा, सारा माखन जूठा कर दिया, सब शुद्ध कर दिया, मैंने भगवान को तो यह भोग लगाना था मैंने सारा जूठा कर दिया। भगवान कहते हैं भगवान को भोग लगाना था तो क्या मैं कोई पापी हूँ, मैं राक्षस दिख रहा हूँ। भगवान चिढ़ाते हैं और मन ही मन भगवान कहते हैं रे गोपी बस यही तो तुझे समझने की आवश्यकता है कि तो उस परमात्मा को तो ध्यान करती है लेकिन साक्षात परमात्मा तेरे सामने खड़ा है उसको तो समझ नहीं पा रही है। बस हमें आपको भी यही समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ में अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बहुत बड़ा ध्यानी बहुत बड़े पूजा पाठ करने वाले बहुत बड़े संत समझ रहे हो, अपराध कर रहे हो। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है और हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है। हर व्यक्ति का सम्मान कर लो। आप भगवान की पूजा मंदिर में जाकर ना भी कर रहे हैं ना तो भी परमात्मा आपसे प्रसन्न है, लेकिन नित्य निरंतर पूजन कर रहे हो लेकिन किसी का अपमान कर रहे हो तो आप इस बात को ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं कार्य में अभी आपके अधूरापन है। गोपी से भगवान कहते हैं देवी तू समझ नहीं रही है। भगवान वहां से गोपी से कहते हैं हिम्मत है तो पकड़, हिम्मत है तो पकड़, और ऐसा कहते हुए भगवान वहां से दौड़ जाते हैं। आज का तो भोग लग गया, दूसरे दिन फिर भगवान ने मीटिंग बुलाई, अब कहां चलें। दूसरे दिन जाते हैं, एक गोपी पानी लेने गई थी, दरवाजा बंद था। भगवान ने कहा अब दरवाजा कैसे खोलें, दरवाजा था ऊंचा, भगवान के छोटे। भगवान ने एक दूसरे के कंधे पर बैठ करके कुंडी खोली, दरवाजा खोला, गए अंदर, अब छीके पे वह माखन टंगा हुआ था। कैसे पहुंचे, एक बालक को उसके ऊपर, दूसरे बालक को, तीसरे को खड़े करके भगवान स्वयं चढ़े और वहां से भगवान स्वयं पहले भोग नहीं लगा रहे हैं। भगवान ने पहले अपने मित्रों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, फिर भगवान भोग लगा रहे हैं। और भगवान भोग लगा रहे हैं इतने में वह गोपी आ जाती है। भगवान ने देख लिया कि अब हम तो पकड़े गए, भगवान ने वहीं से उस छीके को पकड़ा और ऐसे जमीन में छोड़ दिया, वह छीका गया फूट। इतना सड़ा माखन, इतने दिनों का माखन रखा है, अरे इसको तो बेकार हम लोगों ने खा लिया। और वह गोपी दरवाजा बंद तो करती कभी हम इनको पकड़ लेंगे, खिड़की के दरवाजे से भगवान अपने मित्रों के साथ में निकल जाते हैं। अब गोपियां शिकायत लेके मैया के पास आती है कि मैया तेरा यह लल्ला बहुत परेशान करता है, माखन खाता है। मैया ने कहा चिंता न करो, जितना तुम्हारा माखन लगता है हमसे ले जाओ, मेरे लल्ला को डांटो मत, परेशान मत करो। बोले मैया माखन नहीं, माखन और खा ले, जो माखन खाता उससे ज्यादा खलेरा डाल देता है, इधर उधर बर्बाद करता है, और उससे ज्यादा तो मेरे ददिया सास के जमाने की जो मटकी थी उसको विवाह तोड़ा गया है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। उसमें एक बड़ी चालाक गोपी थी, माँ से तर्क वितर्क करने लगी, मैया को थोड़ा आया क्रोध। मैया ने कहा मैं ऐसे किसी की बात मानने वाली नहीं, मेरे लाला को जब पकड़ के लाओगी तब मैं मानूंगी। अच्छा, इधर भगवान मैया से कहते हैं मैया मैं माखन नहीं चुराता, ये सब झूठ कहती हैं। और वास्तव में क्या था, गोपियां सब चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आवे और माखन का भोग लगावे। केवल मात्र शिकायत करने जब जाती थी तो भगवान के दर्शन के भाव से जाती थी। एक थी
गोपी वह बहुत चतुर चालाक बनी, बोली अरे कोई बात नहीं है, मैं आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी, ऐसा कह करके और चली आती है। भगवान ने कहा अब इसने वचन दिया है आज इसके घर ही चलते हैं। भगवान पहुंच गए उसके घर और उसने क्या किया था, दरवाजा खोल दिया था, सामने माखन मिश्री डाल दिया था और देखो माखन मिश्री रख दिया था, उसमें तुलसी दल डाल दिया था और जहाँ पवित्र आत्मा से पवित्र भाव से भोजन बना दिया जाए और तुलसी दल डाल दिया जाए वहाँ भगवान को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, भगवान तो स्वयं दौड़े चले आते हैं। कन्हैया आज दौड़े चले आए अपने मंडली के साथ में और वह दरवाजा खोल करके पीछे बैठी थी और उसका जो पति था वह था गूंगा। वो कहाँ गया था, खेतों में काम करने। क्या लेकर गया था आप लोग जानते हो, फावड़ा जिसको बोलते हैं, इसको कई बोल देते हो आप लोग जानते हैं ना, वह लेकर गया था खेत को सुधारने के लिए। आज इस गोपी ने कहा कि अब कन्हैया को पकड़ना है और जैसे कन्हैया भोग लगाने लगे समस्त ग्वाल वालों को खिलाने लगे आ गई और दरवाजा इसने कर लिया बंद। भगवान ने अपने माया से सबको इशारा कर दिया और सारे ग्वाल बाल बंदर भग गए, भगवान पड़ गए अकेले। बन्नो समझना की आवश्यकता है। आज हम लोग कहते हैं कि हमारे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, हमारे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, हमारे चाचा ने मुझे धोखा दे दिया, हमारे ताऊ ने मुझे धोखा दे दिया। यहाँ लोग भगवान को धोखा देने से नहीं चूकते हैं, यहाँ लोग भगवान को भी मूर्ख बनाने से नहीं चूकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? सारे ग्वाल बाल तो मक्खन खा रहे थे, घी खा रहे थे, माखन मिश्री खा रहे थे, बंदर भी साथ में थे, लेकिन आज उस गोपी ने जब कन्हैया को पकड़ा सब भाग गए, अकेला कौन बचा, कन्हैया। इसलिए दुनिया के लोग आपका साथ छोड़े तो कभी अपने आप को निराश मत करना, उदास मत करना, चिंतन मत करना, बस भगवान आपका साथ ना छोड़े तो दुनिया चाहे जहां चले जाए आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गोपी ने भगवान के दाहिने हाथ को पकड़ा, बोले चल तेरे मैया को तेरे दिखाती हूँ, रंगे हाथ पकड़ाती हूँ, जब भी तेरे माँ को उलाहना लेके जाती हूँ, माँ तेरी मानती नहीं है, आज तो मैं तेरे मैया को दिखा के मानूंगी। और उसने भगवान ने अभी तो मुख में थोड़ा सा भोग ही लगाया था, उठाया मक्खन भगवान के पूरे मुख में लपेट दिया, पूरे शरीर में लपेट दिया, क्या चल के तेरी माँ को दिखाती हूँ। भगवान कह रहे छोड़ दे गोपी, छोड़ दे, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा ऐसी गलती। अरे छोड़ूंगी नहीं, अब तो तेरी माँ के सामने चलकर दूध का दूध पानी का पानी करूंगी। पकड़ करके हाथ और लंबा सा घूंघट निकाल करके और चल पड़ी लेकर खींचते हुए। और जो कन्हैया के साथ माखन मिश्री खाने आए थे वही दूर खड़े देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कुछ करो उपाय। सबने कहा पकड़ा तू गया है, तू चल किनारे, अपना तो पेट भर गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता जैसे कह देते ना आप जैसे मर्जी जाओ, अपना पेट भरा हुआ है। अच्छा, कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। इधर से लंबा घूंघट भगवान के दाहिने हाथ को पकड़ करके गोपी खींचते हुए ले जा रही, चल तेरी माँ को आज दिखाती हूँ। और उधर से उसका स्वामी जो गूंगा उसका पति था कई फावड़ा कंधे पर लेकर के आ रहा था। भगवान ने कहा अरे देवी बड़ा हाथ दर्द कर रहा है, इतनी देर से पकड़ा है, मेरी नरम कलाई है, अरे जरा इस हाथ को पकड़ ले, दूसरा हाथ तो पकड़ ले, ये वाला हाथ छोड़ दे। और उसके पति को इशारे से बुलाया, पति था गूंगा, बोल पा नहीं रहा था। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ उस देवी के हाथ में पकड़ा दिया। पति उसका कुछ बोलने का प्रयास तो कर रहा, जोर तो लगा रहा है, लेकिन बोल पाता नहीं है। और वह देवी अपने भाव में, अपने उस स्वाभिमान में, अपने उस सम्मान के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कि आज तक कन्हैया को किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा, जो कोई शिकायत लेके जाता है नंद रानी उसको वापस भेज देती है, आज मैं नंद रानी को जवाब दूंगी, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ाऊंगी, मेरा नाम होगा। अपने नाम की कामना को लेकर के और जा रही है और उस
नाम की कामना को लेकर के जा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कन्हैया का हाथ पतला था वह छूट गया और मेरे स्वामी का हाथ मेरे हाथों में आ गया और कन्हैया ने पकड़ा दिया। और पति बोले, बोले चुपचाप सीधे जाओ। भगवान ने सारे से उसके पति को समझा दिया। उसके पति ने सोचा हो सकता कहीं लेके जा रहे और इधर लंबा घूंघट खाड़ करके और देवी वहां गोपी लेके जा रही है। इधर कन्हैया जल्दी से दौड़ लगा करके पिछले दरवाजे से आ गए और माँ यशोदा क्या कर रही थी, मथानी से मक्खन निकाल रही थी। मैया बड़ा ही जोर की भूख लगी है, कितनी देर से पूरे नंद महल में ढूंढा, तू कहाँ बैठी थी, मुझे भूख लगी, जल्दी खिलाओ, देखो मुझे इतनी तेज भूख लगी है, आपने अभी तक मुझे भोग नहीं लगाया। मैया बैठ करके लाला को भोग लगा रही है। तब तक वहां आ गई गोपी, नंदरानी सुनो, नंदरानी सुनो। नंदरानी के कानों में आवाज आई। कन्हैया ने बोला, मैया पक्का है किसी गोपी की आवाज है, देख लो मेरी शिकायत लेके आई होगी, जबकि देख लो मैं आपके साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, माखन मिश्री का भोग लगा रहा हूँ। मैया ने कहा, कोई बात नहीं कन्हैया, मैं देख के आती हूँ। और मैया निकलती है, कन्हैया पीछे से निकलते हैं और इधर गोपी वह सम्मान की कामना रखने वाली अपने आप को सम्मानित करवाने वाली क्या करती है, कहती है, देवी नंदरानी ये देखो आज मैं तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूँ, देखो इसने मेरे घर में जाकर के माखन की चोरी की, ये देखो प्रमाण तुम्हारे पास में लेके आई है। और पकड़ के किसको लाई थी, वहां से तो पकड़ कर चली थी कन्हैया को, रास्ते में भगवान ने माया कर दी, अब किसको पकड़ रखा है, अपने ही स्वामी को, अपने ही पति को पकड़ रखा है। नंद रानी हंसी जा रही है और जब जोर जोर से ये बोली जा रही है, आसपास की गोपियां भी आ गईं और कही जा रही, नंद रानी अपने लाला की तो उलहना नहीं लेती, अपनी लाला की गलती नहीं मांगती, आज देख मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। सुनती गई और यह देवी बोलती जा रही है। मैया नंद रानी ने कहा, रे बावरी पागली, जरा घूंघट उठा के देख तो, तू किसको पकड़ के लाई थी, किसको पकड़ के लाई है। और जैसे उसने घूंघट को उठाया उठाया और देखा कि मेरे हाथ में जिसका हाथ है वह कन्हैया नहीं बल्कि मेरे स्वामी हैं। शर्म के कारण लज्जित हो गई और कन्हैया पीछे से हंस करके इशारा कर रहे हैं, बड़ा तो नाम बनाना चाहती थी ना अपना, चल तेरा कल्याण हो गया। सभी गोपियों ने भगवान को वहां प्रणाम किया और गोपियां कहती है, मैया बुरा मत मानो, मेरे तो मन में आपके लाला के प्रति दुर्भाव नहीं है, बल्कि मेरे मन में तो क्या है, मेरे मन में आपके लाला के प्रति प्रेम है। तब तक एक देवी कहती है कि आज रात में मैं जब सोई थी, मेरे सपने में कौन आए थे, आपके लाला चोरी करने आए थे। बोली है, सपने में नहीं, हकीकत में भी चोरी करने आए, दूसरी गोपी बोलती है। मैया ने कहा, अच्छा जब मेरा लाला चोरी करने आए ना, तो इसको बोल दिया करो हवा, क्या बोला करो, हवा, हवा से मेरे लाला को बड़ा डर लगता है। अच्छा, अरे बोली ये भी मैंने करके देख लिया है, क्या करके देख लिया है, बोले एक दिन की बात है, मेरी बिटिया खटिया पर लेटी थी, मेरी बिटिया खटिया पर लेटी थी और उसकी चुटिया थी और आपका लाला पहुंचा उसकी चुटिया को, मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया और वह खूब गाढ़ी निद्रा में सो रही थी और कान में धीरे से जाकर बोला, भाग 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 आ गया हुआ। और जैसे हवा हमारे बिटिया के कान में पड़ा, अब वो उठना चाहे तो चोटी बंधी थी, चिल्लाने लगी, बचाओ मैया बचाओ मैया, अरे मैं तो दौड़ी आई और तुम्हारा लाला भगते हुए गया और मुझे चिढ़ा रहा था। तब तक तीसरी गोपी कहती, अरे यही नहीं, ये तो जाता है मेरे गौओं के बछड़ों को खोल देता है, बछड़े दूध पी लेते हैं, जब शाम को हम दूध निकालने जाते तो हमें दूध नहीं मिलता। तो कौन कौन कन्हैया को सपने में बुलाना चाहता है, बताओ जरा, कौन कौन बुलाना चाहता है, बुलाना चाहता है, तो आइए भगवान से निवेदन करें, कैसे आते भगवान, आइए बड़े भाव से। निंदिया लग गई, निंदिया लग गई, रात शाम सपने में आए, ओ,
कौन कौन सो रहा है? सपने में कौन कौन बुलाना चाहता है? हाँ, तो ये बैठे रहोगे तो आने वाले नहीं है। जब तक खड़े नहीं होगे तब तक श्याम आने वाले नहीं है। खड़े होइए पहले, फिर बुलाते हैं भगवान को। सब थक गए हैं। हाँ, जब तक खड़े नहीं होगे दौड़ेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तब तक नींद नहीं आएगी। और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मेरे श्याम आने वाले नहीं है। क्या आएंगे बुलाना ना? जय हो। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, thank you.
मेरा गुंडा खड़का होती अति राति मेरा गुंडा खड़का मे होती अति राति मेरा गुंडा खड़का वो माखन दे दे शोर मचावे माखन दे दे शोर मचावे हो जद मैं मक्खन ना देता हो जद मैं मक्खन ना देता हो मेरा पुत के परादा ले गया चटी जो मदानी ले गया मेरा पुत के परादा ले गया चटी जो मदानी ले गया भी ले गया चटी चोर ले गया भी ले गया चटी चोर ले गया वो ले गया भी ले गया मुड़ी बिना ले गया चटी जो मदानी ले गया नंद बाबे तो पैर की अजीर का चटी जो मदानी ले गया शिव परिवार वाले आ गए एनएम सिनेमा टीम पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत कथा करवाया इस सत्र में अभी इस सत्र में 17 तारीख से श्री शिव महापुराण कथा है आप लोग के द्वारा आप तालियां बजाइए आपके लिए हर 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 राधा रानी गुस्सा हो गई हो बिना गल तो ही रोला पै गया चटी जो मदानी लै गया लै गया भी लै गया लै गया लै गया लै गया भी लै गया चोर लै गया हो नंदे बाबा तो पैर किया चटी जो मदानी लै गया नंदे बाबा तो पैर किया चटी जो मदानी लै गया
हो वाली सी ओ तिना लोका दा वाली सी ओ तिना लोका दा हो वाली सी ओ तिना लोका दा हो जाके माती को दी दे विच जद मैं मक्खन ना दिता हो मेरा पुट के बराता रह गया साडी चमदानी रह गया लोग बैठ जाएं जहां जिसको स्थान मिलता है किसी दूसरे के जगह पर मत बैठिएगा जगह नहीं मिलता आगे आगे जाए जो आयोजक कमेटी है थोड़ा मीटिंग करवाइए आगे तक जय श्री राधे श्री व्यास जी भगवान भोल राधा माधव सरकार की जय हो श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। तो गोपियां आज भगवान के उस दिव्य लीलाओं का संस्मरण करते हुए और आई तो थी शिकायत करने लेकिन अपने हृदय के भाव को बता दिया मैया से कि भगवान हमारा माखन ही नहीं हाँ संतों ने तो भाव किया ना श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हो भगवान।
माखन चोरी करके भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। अच्छा, ऐसा और कौन होगा जो कहेगा कि हमारा भगवान चोर है? कोई कहेगा? और किसी मत संप्रदाय, हाँ, किसी मत और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं कह सकता, पर मैं कहूंगा कि मेरा भगवान चोर है। पर क्या चुराता पता है? क्या चुराता है? हमारे पाप को चुराता है। क्या चुराता है? हमारे पाप को चुराता है, हमारे संताप को चुराता है, हमारे कष्ट को चुराता है, और हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों को चुराता है। और भक्तों पर कृपा करने के लिए तो माखन तो चुराते ही चुराते हैं। और उस चोर के हम भक्त हैं, हाँ, जिसने गोपियों के वस्त्र चुराए, जिसने शिवजी के बेर खाए। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी पूजा पद्धति अलग है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा। अरे कहां से कह दिया आपने? शबरी भेलनी के ऊपर भी हमारे भगवान ने कृपा की कि नहीं की है? केवट के ऊपर कृपा की है कि नहीं की है? आगे कथा भी सुनेंगे कि कुब्जा के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं कि नहीं। तो भगवान के लिए कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है। दिव्य आनंद लेते हुए बोले भगवान, आज श्री परीक्षित जी महाराज कहते, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ने रास रचाई। भगवान ने क्या किया? रास रचाई। आज भगवान ने जब रास की लीला की ना, जय हो, हमें लग रहा है इंद्रदेव भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का पुण्य पवित्र अवसर आया, भगवान ने अपने दिव्य बांसुरी का वादन किया। बांसुरी का वादन करते हुए, और जब बांसुरी की निनाद उन देवियों के कानों में जाकर के पड़ती है, कोई अपने स्वामी की सेवा कर रही है, कोई दुग्ध निकाल रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बालक को दुग्ध पान करा रही है, कोई अपने सासू की सेवा कर रही है, कोई भोजन आदि करने के बाद में बर्तन आदि की सफाई कर रही, घर की साफ सफाई कर रही है, सभी देवियों के कानों में जब वह दिव्य बांसुरी का निनाद जाता है, वह सब देवियां समझती हैं, यह तो भगवान ने आज मुझे निमंत्रण भेज दिया। कैसा निमंत्रण? बोले आज भगवान ने मुझे वह निमंत्रण, वह परम पवित्र, वह पावन जीवन के हमारे अवसर को प्रदान कर दिया है। और सारी देवियां अपने गृह कार्य को विश्राम दे करके और पहुंच जाती हैं। जब देवी आप पहुंचती हैं, वह यमुना के पवित्र पावन तट पर भगवान वहां पर बैठ करके कदंब के वृक्ष पर और पीतांबर को धारण कर रखा है, गले में वैजयंती की माला है, मोर मुकुट पहन रखा है। भगवान ने दिव्य बांसुरी का निनाद जब किया, ऐसे स्वरूप को देख करके देवियां कहती हैं कि प्रभु हमें हमारे जीवन को दोनों को धन्य कर दो। भगवान ने उन गोपियों के को देख करके पूछते हैं, स्वागत अंबो महाभागा अत्र किम करवा। देवियों आपका स्वागत है, आप यहाँ क्या करने आए हो? जब भगवान ने ऐसा प्रश्न किया, उन देवियों को बड़ा दुख लगा। आप भी किसी को निमंत्रण दे दो, कोई व्यक्ति आवे और उसका सम्मान ना करो, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। वही कार्य क्या है? बोले आज भगवान मूर्खता नहीं करते, भगवान तो परीक्षण देते हैं। भगवान ने आज उन देवियों से पूछा, देवियों पूर्णिमा देखने आई हो? देवियों यमुना के पुण्य पवित्र पावन तट को देखने आई हो? इतनी रात्रि में कैसे आई हो? और भगवान के समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन देवियों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने आई हूँ। भगवान ने कहा, जाओ अपने पति के पास जाओ, अपने पुत्र के पास जाओ, अपने माता पिता सास ससुर के पास जाओ। भगवान
के प्रश्न का उत्तर देती हुई देविया कहते, प्रभु मैंने तो यही सुना है कि तुम्हें वो माता चपिता तमेव तमेव बंधु जसका तमेव, आप ही तो जगत पति है, तो जब जगत के पति मिल गए तो हम इस संसार के पति को लेकर के क्या करेंगे, प्रभु आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे पिता हो। और आज दिव्य रास का आरंभ होता है, दिव्य रास मंडल में सभी कामना करते क्या कहते हैं, रास रचो है तेरी, रास रचो है, रास रचो है तेरी, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे तेरी रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है तेरी, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, राधा नाथ कृष्णा नाथ नाथ गोप संग, राधा नाथ कृष्णा नाथ नाथ गोप संग, मन मेरो बन गया है तेरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गया है तेरी पावन वृंदावन, रास रचो है सखी रास रचो है, रास रचो है सखी रास रचो है, स्वर भगवान की जय। उस दिव्य रास में राधा जी को आता है अभिमान, और राधा जी गोपियों को देख देख भगवान परित्यक्त करके और अंतर ध्यान होते हैं, सभी देवियां भगवान का स्तवन करती हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, अर्थात गोपी गीत के माध्यम से भगवान का स्तवन करती हैं, रुद्र सुस्वर्ण राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब सस्वर भगवान को पुकारती हैं उसी समय कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजन तासाम आविर्भुक्षोरिष्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षात् मन्मथ मन्मथा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, काम को मन के मथित, काम के मन को मथित करने वाले, काम को लज्जित करने वाले, भक्तों के मन को आनंदित करने वाले भगवान प्रकट हो जाते, सारी देवियां आनंद करने लगती हैं, और पुनः भगवान के साथ रास का कार्य आरम्भ होता है। बोल रास राशेश्वर भगवान की जय हो। राधा 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 कहती भगवान आपके इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, कौन, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे जो होते हैं वह अकारण प्रेम करते हैं, और तीसरे जो होते हैं ना तो वह प्रेम करते हैं और ना ही वह व्यवहार करते हैं। तो क्या है, भगवान को अगर वश में करना है तो प्रेम से ही करना है, मौसम को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम इस रात के प्रसंग को आज को हम संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।